उनको तब तक लगातार जिहाद करने के लिए कहा गया है। याद रखो, यदि आज नहीं जागे तो कोई हमारे बचाने वाला नहीं है। एकदम सही कह रही आंटी, मुल्लों ने ना इस देश में हमारा जीना मुश्किल कर दिया। अगर अभी हम नहीं जागे ना तो साले हमारा जीना आराम कर देंगे इस देश में। सही कह रहे हैं भैया आप, खून तुम्हारा ही बहुत खौलता है। हमें खून खौलने से कुछ नहीं होगा, अब टाइम हथियार उठाने का आ गया है। भैया अभी उन्हीं लोग के साथ में घूम रहा है आजकल। नहीं भैया जी, बस वो ऐसे ही दोस्त है हमारा। दोस्त तो कुछ नहीं होता है, साले हमारे दोस्त न थे न कभी होंगे। हमारी धर्म रक्षक सेना का रैला बाय करो, हमारा धर्म खतरे में है और अब हमें ही कैसे बचाना है। बस अब ये समझ लो, पानी सर से ऊपर चला गया है। हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान न कभी साथ थे और न कभी रहेंगे। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का। समझा कि नहीं समझा? जी भैया जी। भारत का नाम सुना है कभी? चलो आज एक कहानी सुनाता हूं तुम लोगों को, भारत की कहानी। सन 1857 में जब अंग्रेजों ने गुलामी का जंजीर हम पे कसना शुरू कर दिया था, तब दो दोस्त हुआ करते थे। एक का नाम था पंडित रामचरण दास और एक आमिर अली। एक हिंदू, एक मुसलमान, एक पंडित, एक मौलाना। इन दोनों ने साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। अंग्रेजों को लगा कि अगर ये दोनों धर्म वाले साथ हो जाएंगे तो हमारी लंका लगा डालेंगे, और फिर वही हुआ जो हमेशा आवाज उठाने वालों के साथ होता था। एक दिन दोनों को एक ही फंदे से एक ही पेड़ पर फांसी दे दी गई। अंग्रेजों ने दोनों को साथ तो मार दिया और प्रण किया कि दोनों धर्म वालों को कभी साथ जीने नहीं देंगे, और तब से शुरू हुआ दोनों धर्म को बांटने का कारोबार। और अफसोस कि अंग्रेजों की छोड़ी हुई औलादे आज भी वही काम कर रहे हैं। सेना बनाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? कुछ साल पहले हमने भी एक सेना बनाई थी, आओ कभी दिखाते तुम्हें लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। शेरों की फौज है हमारी सेना और हर धर्म के लोग हैं हमारी सेना में। अरे तुम्हारी सेना ने कौन सा तीर मार लिया? अभी तक तो अपनी सेना का नाम भी नहीं बताए। नाम तुम क्या, पूरी दुनिया जानती है, इंडियन आर्मी। आप आर्मी से? कैप्टन जावेद खान फ्रॉम इंडियन आर्मी। हम बॉर्डर पर खड़े होते हैं ताकि कोई बाहर वाला हमारे देश को ना तोड़ सके, पर हमें क्या पता था कि हमारे अपने ही अंदर बैठकर देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। और हाँ, तुम लोग अपने अपने मजहब को बचाओ, अपने मंदिर, अपने मस्जिद को बचाओ, देश की टेंशन मत लो तुम, क्योंकि उसके लिए हम खड़े हैं बॉर्डर पर, और जब तक हम खड़े हैं हिंदुस्तान खड़ा है। वतन वालों, वतन ना बेच देना ये धरती, ये गगन ना बेच देना। शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। दोस्तों साथियों हम चले दे चले, अपना दिल अपनी जान ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान।